साल 2019 में बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी से अलग होकर नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना रायगढ़ में की गई, लेकिन दो सालों के बाद भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रशासन जमीन की तलाश नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पहले आईटी कॉलेज के पास 107 एकड़ जमीन का चयन किया था, जिसमें उद्योग विभाग ने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए प्रस्तावित जमीन बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इधर खरसिया ब्लॉक के सेंद्री पाली में दूसरी जमीन का चयन कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी थी, लेकिन वन विभाग ने इसे वन भूमि बताते हुए आपत्ति कर दी। ऐसे में दोनों जमीनों के आवंटन की प्रक्रिया अटक गई। मामले यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी जमीन पर आपत्तियों की बात स्वीकार कर रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि दोनों जमीनों की फाइल शासन को भेजी गई है, आपत्तियों के निराकरण की कोशिश की जा रही है। भूमि के लिए जो जीडीपी सर्वे वगैरह विश्वविद्यालय ने करा के अपनी प्रतिवेदन जमा कर दिया है जी। और वन विभाग का जो पोर्टल है उस पर भी हमने अपना पंजीयन करा के जो दस्तावेज हमको अपलोड करने थे वो भी कर दिए हैं। हाँ, ये तो है, जमीन जल्दी मिलने से विश्वविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर सकते हैं जी।